बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़िर ग्रामी इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी, जिनका असल नाम फ़ख्रुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर अल हुसैनी था। आप रहमतुल्लाह अलैह 1149 को ईरान के शहर रे में पैदा हुए। उस इलाके में आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी ज़ियाउद्दीन उमर ख़तीब थे, इसलिए आपको इब्नुल ख़तीब भी कहा जाता है। इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह शाफ़ी और अशरी अकैद रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ख्वारज़्म में मुतज़िल्ला अकैद के ख़िलाफ़ तबलीग करने गए, लेकिन वहाँ से पहले बुखारा फिर समरकंद जाने पर मजबूर हुए। 1190 ईस्वी में गजनी और पंजाब का सफ़र किया। उसके बाद हरात में मुकम्मल तौर पर आबाद हो गए और हरात में एक मदरसे में शेखुल इस्लाम की हैसियत से दरसो तदरीस में मशगूल हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़्म शाह आप रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अदब इहतराम करता था। बादे अज़ा किसी ने हसद की बिना पर आपको जहर दे दिया, जिसकी वजह से आपकी तबीयत संभल ना सकी और इसी जहर के सबब अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़लसफ़ी, रियाजीदार, आलिम और माहिर फलकियात भी थे। आपकी मादरी ज़ुबान फ़ारसी थी। 1209 ईस्वी में इंतकाल हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह दुनियाए इस्लाम में इसलिए मशहूर हैं कि उन्होंने माकूलात यानी फ़लसफ़े और मंतिक से दीनी हकैक़ को मुदल्लिल तौर पर साबित किया है। इब्ने सीना और फ़राबी रहमतुल्लाह अलैह के मोतरिफ थे, लेकिन कहा जाता है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के आप खिलाफ थे। इल्मुल कलाम में आपकी मशहूर तसनीफ़ असासुल तकदीस है और दूसरी तसनीफ़ मफातीहुल गैब है, जो कि तफसीर कबीर के नाम से मशहूर है। मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी ने फजल कदीर के उनवान से आपकी तफसीर का मुकम्मल उर्दू तर्जमा किया है। आप रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर इमाम राज़ी के नाम पर किताब लिखी गई है, जिसमें मुकम्मल हालात ज़िंदगी, आपकी तसनीफ़ी खिदमात, उलूम व फ़नून, फ़लसफ़ा और मंतिक, इल्म कलाम वगैरह की इबहास पर मुश्तमिल है।